कॉन्वेक्स लेंस का पावर दिया है प्लस फाइव डायोपीटर हमें इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है क्वेश्चन में पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हम किसे बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन एक््रोमेटिक कॉम्बिनेशन में एक तो क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया और इसके साथ हम अटैच करते हैं क्या डाइवर्जेंट लेंस विच इज लेंस तो इसके साथ यहाँ पे इस तरीके से क्या लगा होता है कॉन्केव लेंस लगा होता है ये क्या है कॉन्केव लेंस है कॉन्केव लेंस और इस तरफ ये हमारे पास होता है कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस और इनका ऐसे कॉम्बिनेशन जो बनता है उसको हम बोलते हैं एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन और इन दोनों के बिटवीन यहाँ पे जब हम कन्वेक्स एंड कॉन्केव को अटैच करते हैं तो यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस नहीं होता नो no डिस्टेंस इन दोनों को एक साथ क्या कर दिया जाता है अटैच कर दिया जाता है इस पे कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंजेस हमारे पास गिवन है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंजेस तो हमें जो पावर निकालना हो अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंजेस का तो उसको कैपिटल पी से सपोज हमने डिनोट डिनोट किया तो वो क्या होगा जो लेंसेज को हम कंबाइन कर रहे हैं उनका जो पावर है उसको सम कर देंगे मीस मिशन ऑफ पी आई आई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ लेंस को नंबर ऑफ लेंस को रिप्रेजेंट करता है तो अब हमारे पास कितने लेंसेज हैं? टू लेंसेज हैं। विच में हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पी इज इक्वल टू वन प्लस पी टू अप्लाई करेंगे पी जो है वो किसकी पावर है फॉर द कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स लेंस है तो उसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग लेंस की जो पावर है सपोज उसको हमने पी सी से डिनोट कर लिया तो वो हमें गिवन है प्लस फाइव डायोपीटर कॉम्बिनेशन का जो पावर है वो कितना गिवन है प्लस टू डायोपीटर गिविन है अब सेकंड जो लेंस है वो कौन सा लेंस है कॉनकेव लेंस है कॉनकेव लेंस है दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइवर्जिंग लेंस वो रेज को क्या करता है डाइवर्स करता है तो डाइवर्जिंग लेंस की जो पावर है सपोज वो पी डी है तो पीडी फाइंड आउट करते हैं का so हमें कितना दिया गया है इट इज गिवन इक्वल्स टू प्लस टू डायोपीटर पीसी के आगे माइनस है तो ये माइनस फाइव डायोपीटर आ गया तो पी डी पावर ऑफ डाइवर्सिंग लेंस जो है वो कितना आ गया माइनस थ्री डायोपीटर आ गया अब पीडी के आगे क्या आ रहा है नेगेटिव साइन आ रहा है नेगेटिव साइन जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दैट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग लेंस अब हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में डिस्पर्सिव पावर्स का रेशियो निकालना है ऑफ कन्वर्जेंट टू डाइवर्जेंट लेंसिस पहले तो हमें अक्रोमेटिक डबलेट दिया है फॉर अक्रोमेटिक

तो अब यहाँ पे हम उमेगा सी एंड उमेगा डी को एक तरफ लिख लेंगे सो so, उमेगा सी अपॉन उमेगा डी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा विद नेगेटिव साइन एफ सी अपॉन एफ डी के इक्वल आ जाएगा फर्दर जो फोकल लेंथ है वो इनवर्स होता है किसका पावर का तो यहाँ पे हम अगर इनवर्स लिखेंगे पावर का तो उमेगा सी अपॉन ओमेगा डी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा अगर एफ सी अपॉन एफ डी है तो इनवर्स में क्या आ जाएगा पी डी अपॉन पी सी आ जाएगा नाउ वी हैव फाउंड PD is equals to minus three diopter, and the value of PC is given in the equation plus five diopter. तो so, simply ratio में fill कर देते हैं. Omega C upon omega D जो है वो किसके equal आ गया? With negative sign minus three upon five के equal आ गया. Minus minus क्या हो गया? Cancel हो गया. तो so, omega C upon omega D जो है वो किसके equal होगा? Three by five के equal होगा. तो ratio of डिस्पर्सिव पावर्स जो है वो कितना आ गया दैट इज थ्री रेशो फाइव सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टूड वेल थैंक्स